हेलो गाइस, वेलकम टू मॉन्स्टरवर्स यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पर आपको मॉन्स्टरवर्स के सभी मॉन्स्टर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी से पहले सारी मॉन्स्टरवर्स की हिस्ट्री के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको सभी कॉमिक बुक और मूवीज़ की स्टोरी शॉर्ट में बताने वाला हूँ, ताकि आपको मॉन्स्टरवर्स की स्टोरी पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए बात करते हैं कि मॉन्स्टरवर्स आखिर में है क्या। लेजेंडरी एंटरटेनमेंट ने टोहो कंपनी से मोथरा, रोडन, किंग गिजोरा, कॉन्ग और गॉडजिला के राइट्स लिए, और इन मॉन्स्टर्स की मूवीज़ के क्रॉसओवर को उसने मॉन्स्टरवर्स का नाम दिया, जिसमें से उन्होंने 4 मूवीज़ को अनाउंस किया था और 3 अभी रिलीज़ हो चुकी है, और चौथी फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 2020 में रिलीज़ होने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं मॉन्स्टरवर्स की स्टोरी के बारे में। इस यूनिवर्स की बैक स्टोरी उसकी सबसे पहले टाई इन कॉमिक गॉडजिला अवेकन में दिखाई गई थी। इस कॉमिक बुक के मुताबिक बड़े और अज्ञात टाइटन्स की, और या फिर कहे तो मॉन्स्टर्स की जांच करने के लिए मोनार्क की स्थापना 1946 में हुई थी, और इसके बाद 1954 ने मोनार्क ने अमेरिकन मिलिट्री के साथ मिलकर शिनोमुरा और गॉडजिला को बिकनी एटोल आइलैंड पर रेडिएशन का लालच दिया, और इन दोनों पर कासल ब्रावो एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ किया था, जिसकी वजह से शिनोमुरा टाइटन मारा जाता है और गॉडजिला निष्क्रिय होकर पानी में चला जाता है। और उसके कई सालों बाद 1973 में वियतनाम वॉर के बाद मोनार्क एक रहस्यमय स्कल आइलैंड पर एक सर्च टीम भेजता है, जो मूवी में भी हमें दिखाई गई थी। स्कल आइलैंड पर बड़े बड़े क्रीचर रहते हैं, जो कि मानव जाति के प्रभाव से बाहर ही विकसित हुए हैं, और वहाँ रहने वाले सभी क्रीचर्स का राजा और कोई नहीं बल्कि मूवी में दिखाया गया कॉन्ग था। इस आइलैंड पर कॉन्ग के अलावा स्कल क्रॉलर्स भी रहते थे, और इस ऑपरेशन के दौरान सभी मोनार्क के मेंबर्स की मौत हो गई थी, और जो बच गए थे वो कॉन्ग को स्कल क्रॉलर्स को हराने में मदद करते हैं, और स्कल क्रॉलर्स को हराने के बाद वो वहाँ से वापस अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। इन सभी घटनाओं के बाद 1973 के ऑपरेशन का सर्वाइवर का बेटा एरन ब्रुक्स अपने साथ 5 लोगों की टीम लेकर 1995 में वापस स्कल आइलैंड पर जाता है। वो वहाँ ये देखने गया था कि कॉन्ग अभी भी वहाँ स्कल आइलैंड पर राज करता है या नहीं। एरन ब्रुक्स की टीम वहाँ पर ईवी जनजाति की मदद से कॉन्ग की ओरिजिन के बारे में जानकारी हासिल करता है, और उसको वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कॉन्ग अपनी स्पीशीज का आखिरी मेंबर कैसे बन गया, और स्कल क्रॉलर्स ने कैसे स्कल आइलैंड पर हमला कर कॉन्ग के माता पिता और उसकी सारी स्पीशीज को मार डाला था। कॉन्ग की ओरिजिन जानने के बाद एरन और उसकी टीम स्कल आइलैंड को एक्सप्लोर करने निकल जाती है, और उसके एक साल बाद एरन कॉन्ग से भी मिलता है, पर उस इवेंट के दौरान एरन की मौत हो जाती है, और एरन अपने मिशन की सारी रिकॉर्डिंग्स मोनार्क को भेजता है, और उसकी ये रिकॉर्डिंग 2012 में उसके पिता को उसकी रिकॉर्डिंग मिलती है, और एरन के पिता को अपने बेटे की डेस्टिनी के बारे में पता चलता है। इसके बाद 2014 में मोनार्क अनजाने में ही म्यूटोस की एक जोड़ी को जगा देता है, और ये दोनों म्यूटोस रिप्रोडक्शन करके उनकी स्पीशीज को आगे बढ़ाना चाहते थे, पर सैन फ्रांसिस्को में गॉडजिला के साथ हुई एक बड़ी भयानक लड़ाई के दौरान दोनों म्यूटोस मारे जाते हैं, और गॉडजिला फिर से समुंदर में चला जाता है, और समुंदर में जाने के बाद गॉडजिला बाकी कई सालों तक बाहर नहीं आता है, जब तक कि किंग गिदोरा को अनलिश किया नहीं जाता है।
2014 में हुए इस इवेंट के बाद मोनार्क सभी मॉन्स्टर्स की तलाश शुरू कर देता है, क्योंकि जैसी तबाही सैन फ्रांसिस्को में हुई थी ऐसी तबाही किसी और जगह पर ना हो, इसलिए मोनार्क गॉडजिला के अलावा भी कई और टाइटन्स की खोज शुरू कर देता है। और इस खोज की वजह से उसको गॉडजिला की तरह और 17 टाइटन्स के बारे में जानकारी मिलती है, और उन 17 जगह पर मोनार्क अपनी आउटपोस्ट भी बनाता है। सैन फ्रांसिस्को की लड़ाई के 5 साल बाद 2019 में एलन जोन अपने इको टेररिस्ट ग्रुप के साथ और डॉक्टर एमा रूसेल के ऑर्का की मदद से किंग गिदरा और रोडन जैसे बड़े कैरेक्टर को अनलिश करते हैं, और इन सभी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर एमा रूसेल के ऑर्का डिवाइस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती थी। पर किंग गिदोरा जब गॉडजिला को हराने के बाद टाइटन्स का अल्फा बन जाता है, तब वो अपने अल्फा कॉल की मदद से ऑर्का के बिना सभी टाइटन्स को अनलिश कर देता है। इसके बाद डॉक्टर एमा रूसेल की बेटी मेडिसिन किंग गिदोरा को ऑर्का की मदद से सिग्नल भेजकर अपने पास बोस्टन में बुलाती है, ताकि वो सभी तबाही को रोक सके। और उसके बाद हमें बोस्टन में गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी के मेन 4 टाइटन्स के बीच में एक बड़ी और भयानक फाइट दिखाई जाती है, जिसमें से मोथरा मारी जाती है और गॉडजिला अपने थर्मोन्यूक्लियर पल्स की मदद से किंग गिदोरा को हराने में कामयाब हो जाता है। और उसके बाद उसके एक हेड बच जाता है, जो कि मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एलन जोना खरीदते हुए दिखाया जाता है। और इस मूवी के एंड में हमें गॉडजिला को फिर से टाइटन्स का अल्फा बनता हुआ दिखाया गया है। तो गाइज, मैंने आपको सभी मॉन्स्टरवर्स की मूवीज और कॉमिक्स की स्टोरी शॉर्ट में बताई है, और 2020 में इनका सबसे बड़ा क्रॉसओवर इवेंट भी आने वाला है, जो कि उसकी 4th मूवी है, जिसका नाम है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। तो गाइज, ये थी मॉन्स्टरवर्स की पूरी स्टोरी मॉन्स्टरवर्स यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मॉन्स्टर्स की दुनिया का एक पार्ट बन जाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो पे कमेंट्स भी कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।